ये देखिए दोस्तों, मजेदार चॉकलेट, मुंह में घुल जाने वाली चॉकलेट। चॉकलेट के बारे में जितना बोला जाए कम ही है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सबसे कम समय में बनकर तैयार होने वाली चॉकलेट। तो देर क्यों करना, चलिए फटाफट बनाते हैं चॉकलेट। चॉकलेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चॉकलेट कंपाउंड ले लिया है। ये लाइट कंपाउंड है, इसे मैं चाकू की सहायता से छोटे टुकड़े में कट कर रही हूँ। ताकि ये कंपाउंड जो है वो अच्छे से और जल्दी जो है मेल्ट हो जाए, मैं इसे डबल बॉयलर में मेल्ट करूँगी। इसके पहले दोस्तों मैंने वाइट कंपाउंड को जो है मेल्ट करने के लिए रख दिया था, लेकिन मैं इसे नहीं दिखा पाई आपको। तो यहाँ पे जो है मैंने पहले वाइट कंपाउंड को डबल बॉयलर में डालकर मेल्ट करने के लिए रखा हुआ था। ये मेल्ट हो चुका है, तो इसे मैं दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब इसी बाउल में मैं अपने लाइट कंपाउंड को जो है डाल रही हूँ और इसे फिर मैं चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ नीचे मैंने पतीले में जो है पानी रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम है हमारा, और पानी के भाप से जो है हमारा जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो रहा है। इसे ही डबल बॉयलर में मेल्ट करना कहते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, हमारे दोनों चॉकलेट जो हैं, वाइट कंपाउंड और लाइट कंपाउंड, दोनों ही मेल्ट होकर रेडी हैं। अब मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक की मोल्ड ले ली है दोस्तों, जो हार्ट शेप में है। इसमें स्मॉल और बिग दोनों साइज के जो है हार्ट शेप हैं, तो इनमें मैं अपने मेल्टेड चॉकलेट्स को डाल रही हूँ। तो ये देखिए, सारे मोल्ड्स में मैंने चॉकलेट भर दिए हैं। अब थोड़ा मैं टैप कर दूंगी इसे, ताकि ये सही से अपने मोल्ड में जो है आ जाए। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरे शेप की जो है मोल्ड ले ली है दोस्तों, इसमें स्माइली बने हुए हैं, तो इसमें भी हमारे चॉकलेट जो है बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। इसे भी मैं एक एक करके थोड़े वाइट और थोड़े लाइट अलग अलग मैं स्माइलीज बना रही हूँ। ये देखिए, ये चॉकलेट भी हमारे भर चुके हैं। अब मैं इसे भी एक दो बार टैप कर दूंगी और फ्रिज में 10 मिनट के लिए मैं इन दोनों को रख दूंगी। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा मोल्ड ले लिया है दोस्तों, ये सिलिकॉन मोल्ड है, फ्लावर की शेप में है, और इसमें मैंने लॉलीपॉप स्टिक लगा दिया है। इसे भी मैं फ्रिज में रख दूंगी। अब 10 मिनट के बाद देखिए, ये चॉकलेट हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं इसे पलटकर अपनी एक उंगली से दबा रही हूँ और बहुत ही आराम से ये सारे चॉकलेट हमारे निकल रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आ रहा है ना मुंह में पानी। अब ये देखिए, ये जो चॉकलेट हैं इसके जो साइड हैं थोड़े से निकले हुए हैं, तो मैं चाकू की सहायता से जो है इसे शेप दे रही हूँ। और लाइट कंपाउंड की जो हार्ट शेप मैंने बना रखी है दोस्तों, उसके अंदर मैं इसे छोटे हार्ट को जो है फिल कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने सभी को फिल कर दिया है दोस्तों। कितना बढ़िया, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। चलिए अब हम इसे थोड़ा और डेकोरेट करते हैं।
तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक इस तरह की जो है डब्बे लिए हैं। ये इस तरह के डब्बे जो है आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। तो इस तरह के डब्बे में मैं इन चॉकलेट्स को जो है फिल कर रही हूँ। ये सारे जो हैं सेम शेप के हैं, बहुत अच्छे से इसमें आ रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने इन चॉकलेट्स को जो है इसमें सजा दिया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों। अब ये देखिए हमारे स्माइलीज भी जो हैं बनकर रेडी हैं। तो इन्हें भी पलट कर मैं बाहर निकाल लेती हूँ। सिर्फ एक उंगली लगाने की देर है, ये बाहर निकल जाते हैं आराम से। ये देखिए चलिए अब हम इन्हें भी डेकोरेट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह का एक रैपिंग पेपर लिया है और इसमें मैं इस तरीके से जो है स्माइलीज को डालकर और कवर कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं सामने का जो पार्ट है जिसमें इसकी स्माइल नज़र आ रहे हैं उसे दबा दिया है मैंने। तो इसे डालने के लिए मैंने इस तरह की एक बास्केट ले लिए दोस्तों, और इसमें मैं इन सबको जो है रखूंगी। और इसके ऊपर जो ये रिबन लगी है उसे मैं खींचकर इसे जो है फ्लावर का शेप दे दूंगी। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये। ये देखिए ये हमारा जो दूसरा स्माइली चॉकलेट जो है वो भी रेडी हो चुका है। अब बारी है हमारे फ्लावर्स की। तो यहाँ फ्लावर भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें डीमोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए फ्लावर हमारे कितने अच्छे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे मैंने कॉफ़ी कप में इस तरीके से सजा रखा है दोस्तों। तो ये थे हमारे तीन डिफरेंट टाइप के चॉकलेट्स। चॉकलेट खाने में तो टेस्टी होता ही है, इसके साथ साथ ये हेल्दी भी होता है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में बनने वाली चीज़ है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।